अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सोना अहमद। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप लोग हलाल इन्वेस्टमेंट ऐप के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लोग वहां पर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, वहां पर आप लोग किन किन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लोग जानते हो कि इसके अंदर सिर्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हलाल इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, इसके अंदर आप लोग उन्हीं में इन्वेस्ट कर सकते हो। और चार्जेस क्या होंगे यहाँ पर, इन्वेस्ट करने के क्या चार्जेस होंगे, विदड्रॉ करने के क्या चार्जेस होंगे, कैसे विदड्रॉ कर सकते हैं, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के मेथड है, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह मैं आज की इस वीडियो में कवर करने। तो अगर आप लोग भी घर बैठ के इन्वेस्टमेंट करके हलाल प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं हलाल इन्वेस्टमेंट ऐप जो है इसका एक कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं। लाइव रजिस्टर्ड करेंगे हम लोग इसके अंदर अकाउंट को, और फिर इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उन्हें कैसे कैसे करना है, तमाम चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हलाल इन्वेस्टमेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, और करने के बाद आप लोगों ने उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप उसको ओपन करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह शो होता है, हलाल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, SECP से मेरे ख्याल रजिस्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, और सारा कंप्लेंट है यानी कि सिर्फ इस्लामिक फंड्स इसके अंदर उन्होंने डाले। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। इस ऐप का जो एक क्लेम है कि यहाँ से आप जितने भी जो आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं आप जब चाहे उसे विदड्रॉ कर सकते हो, और उसके ऊपर कोई भी चार्जेस आप लोगों को हिट नहीं किए जाएंगे। जब भी आप विदड्रॉ करोगे बगैर चार्जेस के आप उन्हें विदड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आप सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न बताया जा रहा है आपको, और नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके बाद में तकाफुल है, उसके बाद में कमोडिटी है, और उसके बाद में स्टॉक्स हैं। इन चार चीज़ों में आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। टिक पे क्लिक करोगे और यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ गया, लॉगिन का आ गया। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सिंपल सा फॉर्म आ गया। यहाँ पर वो कह रहा है कि फुल नेम आपका जो CNIC पे नेम है वो नेम आप लोगों ने इंटर करना है, तो मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ। और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इंटर कर देने के बाद अब मैं यहाँ पर मैंने ब्लर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर यहाँ पर आप अपना नाम इंटर करना है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना CNIC इंटर करना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस इंटर करना है, फिर आपने मोबाइल नंबर इंटर करना है, और फिर आप लोगों ने यहाँ पर नीचे एग्री करना है और साइनअप पर क्लिक कर देना है। साइनअप पे क्लिक कर दिया हमने, वो कह रहा है प्लीज इंश्योर दैट द एंटायर डिटेल्स आर करेक्ट एज यू विल नो नॉट बी एबल टू चेंज देम लेटर। हाँ तो ठीक है, तमाम इन्फॉर्मेशन हमारी करेक्ट है, तो हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स, इनकी तरफ से हमें एक मैसेज रिसीव हो चुका हुआ है, इनकी तरफ से एक जीमेल पे एक मेल भी रिसीव हो चुकी हुई है, वो भी हम ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट आ चुका हुआ है 9585, ठीक है 9585 हमने किया है और उसको इसने एक्सेप्ट कर लिया। 36 सेकंड्स रहते थे यहाँ पर, और आप देख सकते हैं वो कह रहा है कंग्रेचुलेशंस योर लॉगिन ID एंड पासवर्ड हैज बीन ईमेल्ड यू। तो लॉगिन ID और पासवर्ड उन्होंने ईमेल कर दिया है, ओके पे क्लिक करते हैं, और इनकी तरफ से एक मेल रिसीव हो चुका हुआ है। ID पासवर्ड उनकी तरफ से रिसीव हो गया था, मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। सिंपली साइन इन पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड उन्होंने अपनी तरफ से दिया था, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक पासवर्ड यहाँ पर बनाना है, लोअर केस लेटर होना चाहिए आप लोगों का, ब्ला ब्ला ब्ला। तो पासवर्ड बनाते हैं, यहाँ पर पासवर्ड मैंने बना लिया है। सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम के तमाम जो नीचे चीज़ें थी वो सारी टिक हो गई हैं और ग्रीन हो गई हैं, मतलब पासवर्ड बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने बिल्कुल वही लिखी है जो उन्होंने बोली हुई थी। पासवर्ड चेंज है, पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, तो ओके पे क्लिक करेंगे। हर एक चीज़ पे इनकी तरफ से फौरन एक मेल भी रिसीव हुई है, बाय टेकिंग दिस टेस्ट यू विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क। तो यहाँ पर आपसे आपके रिस्क वगैरह के बारे में पूछेगा मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पूछ रहा है सबसे पहले कि आप लोगों की जो एज है वो क्या है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करनी है। तो सिंपली आप लोगों की ब्लो 40 एज है आप लोगों की जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज योर रिस्क रिटर्न टॉलरेंस लेवल है, भाई लो रिस्क लो रिटर्न आप चाहते हैं, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न आप लोग चाहते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहते हैं, तो जो भी आप लोग चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं पहली बार इस ऐप में आया हूं, तो मैं यहां फिलहाल लो रिस्क लो रिटर्न को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यार हाउ मच आर यू मंथली, तो सेविंग्स कितनी करना चाहते हो, 1000 से 25000 50000 50000, तो फिलहाल हम ये पहले वाला सिलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन आप लोगों का जो भी है वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहा हूँ। आप लोगों का जो भी है रिटायर्ड हाउसवाइफ स्टूडेंट या सैलरीड पर्सन है जो भी है वो कर सकते हैं। What is your investment objectives जो है वो कैश मैनेजमेंट है, मंथली इनकम है, लोअर टर्म्स इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल ग्रोथ है, सेविंग्स है, रिटायरमेंट प्लान है, कौन सा आपका है यहाँ पर। यहाँ मैं कैश मैनेजमेंट पे करूँगा, और उसके बाद आप अपने हिसाब से जिस पे भी कर सकते हो। What is your level of knowledge, तो
एडवांस ही है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम बेसिक पे ही क्लिक कर देते हैं, शायद वो हमें इसके बारे में कुछ नॉलेज देंगे। कम से कम कितने पीरियड के लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? तो लेस देन 6 मंथ है, 6 मंथ से 1 साल तक है, 1 साल से 3 साल तक है, और मोर देन 3 ईयर्स है। तो फिलहाल हम सिर्फ 6 मंथ वाले करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। रिस्क असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी हुई है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये आप लोग इनके मेन पेज पर आ चुके हुए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जो हमारा अकाउंट है वो वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाई करने के लिए आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद लेवल 1 के ऊपर मैक्सिमम एनुअल इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों की है वो 8 लाख की है, और सरमायाकारी पे चले जाओगे तो मैक्सिमम जो आपकी एनुअल इन्वेस्टमेंट है वो आप लोगों की अनलिमिटेड है, कितनी भी कर सकते हो। तो वेरीफाई अकाउंट पे आप लोग क्लिक करते हो तो कह रहा है रिक्वायरमेंट्स क्या है, यहाँ पर CNIC की फ्रंट बैक से आपने पिक्चर खींच के यहाँ पे सेंड करनी है, TIN फॉर्म BW इज एप्लीकेबल, डिजिटल सिग्नेचर आप लोगों के एक चाहिए होंगे। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और हम लोग मेन पेज पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने जितने भी म्यूचुअल फंड्स थे उनको एक ही जगह पे ऐड कर दिया हुआ है। अलमेजान का म्यूचुअल फंड है, उसके बाद में अल्फा इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद में AKD इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, जिसके जरिए आप लोग यहाँ जिस किसी में भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्हाट्सएप का बटन है। जी फ्रेंड्स, इन्होंने भी ICF की तरह अपनी एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन बनाई हुई है, आई थिंक सो। इसके ऊपर आप लोग हाई करोगे तो आप लोग इनसे यहाँ पर डायरेक्ट बात कर सकते हो इसके बारे में। अच्छा भी अगर आप लोग इस ऐप से बाहर जाओ तो ये ऐप क्रैश कर जाती है, मैंने दोबारा से इसको लॉग इन किया। तो उसके बाद में यहाँ पर आपके पास ट्रांजेक्शन आपकी तमाम शो की जाएंगी, जो भी आप लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन करोगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अकाउंट को वेरीफाई करना जरूरी है। उसके बाद टूल्स में आ जाते हो तो यहाँ पर आपको गोल कैलकुलेटर दे रहा है, SIP कैलकुलेटर दे रहा है, रिटर्न एंड डिजायर दे रहा है। गोल कैलकुलेटर में क्या है कि आप लोग यहाँ पे गोल सेलेक्ट करते हो कि भाई मेरा गोल जो है वो हज का है, बाय कार का है, बाय होम है, वोकेशन है, एजुकेशन चिल्ड्रन है, ये कुछ भी है, हज को सेलेक्ट करते हैं। और अमाउंट, व्हाट अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड, तो क्या होगी, मेरा ख्याल आप 10 लाख होगी, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि इन हाउ मैनी ईयर्स डू यू विश टू अचीव योर गोल, तो कितने साल में आप लोग अचीव करना चाहते हो, हम 5 साल कर देते हैं। और रिस्क लेवल आप लोग क्या करोगे, रिस्क लेवल है सिलेक्ट रिस्क लेवल है, एक्सपेक्टेड 7% है, मॉडरेट पे 11% है, अग्रेसिव के ऊपर आप लोगों को 15% मिलता है, हम लोग मॉडरेट के ऊपर रखते हैं फिलहाल। कैलकुलेट करोगे फ्रेंड्स तक तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि मंथली इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी 12,750 रुपये, और इन्वेस्टमेंट लैंप आपका होगा 593,451 का। उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी होगी यहाँ पर 7,65,000 रुपये की, और एक्सपेक्टेड गेन जो होगा वो यहाँ पर आपको होगा 2,34,000 रुपया, यानी कि 7,65,000 रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे और उसके ऊपर 2,34,000 रुपया आप लोगों को जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट की सूरत में, यहाँ पर तो यही बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला। इस तरह से आप लोग इसको चेक कर सकते हो और आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा वैसे वैसे इसके बारे में जो वीडियोस हैं वो मैं बनाता रहूंगा और वो आप लोगों को इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।